आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। श्रावस्ती जनपद में बृहस्पतिवार को तीसरे दिन भी धान खरीद नहीं हो सकी। सहकारिता सचिव के अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण 18 धान क्रय केंद्रों पर ताला लटकता रहा। कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर भिंगा के पुरानी बाजार स्थित पीसीएफ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। इसके चलते नौसाधन सहकारी समितियों सहित पीसीएफ के सभी 18 क्रय केंद्रों पर ताला लटकता रहा। सोनवा गिलोला व इकोना सहित हरिहरपुर रानी क्षेत्र के कई गांवों में किसान अपने धान की कटाई व मड़ाई कर चुके हैं, लेकिन हड़ताल की सूचना के कारण किसान धान क्रय केंद्रों पर नहीं पहुंचे। इसके चलते बृहस्पतिवार को खुले सभी 9 क्रय केंद्रों पर तीसरे दिन भी बोहनी नहीं हुई। इस बारे में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि हड़ताल पर बैठे साधन सहकारी समिति व पीसीएफ के कर्मियों से लगातार बात की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही हड़ताल खत्म हो जाएगी। धरना प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी, जिला महामंत्री वीरेंद्र प्रताप सिंह सहित काफ़ी संख्या में पीसीएफ व यूपीएस से के कर्मचारी मौजूद रहे। सहकारिता के आज सारे सचिव धरना प्रदर्शन पर, क्या मांग है आपकी? सहकारिता पर हमारे सभी साथी आज 3 दिनों से धरना पर हैं और हम सभी साथियों की मांग है कि हम लोगों का कमीशन 2 वर्षों से नहीं दिया जा रहा है। सभी अधिकारियों को हम लोग लिखित में भी दे चुके हैं, मौखिक में भी कह चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं बनी जिसे हम लोगों को कमीशन दिया गया है। हम लोग ज़्यादा परेशान होकर फिर धरने पर बैठ गए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरने से नहीं उठने वाले हैं और ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। धान खरीद का बहिष्कार रहेगा।